XML DOM में अब हमारा टॉपिक है ब्राउजर डिफरेंसेस इन डॉम पार्सिंग। तो ऑल मॉडर्न ब्राउजर सपोर्ट द डब्ल्यू थ्री सी डॉम स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट तमाम के तमाम ब्राउजर्स जो हैं डॉम को सपोर्ट करते हैं और ये तमाम के तमाम कोर्स जो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ये आप किसी भी ब्राउजर पे चला के देख सकते हैं हावर देर आर समिफरेंसेज बिटवीन ब्राउजर्स वन इम्पोर्टेंट डिफरेंस इज द वे दे हैंडल वाइट स्पेसिस एंड न्यू लाइन्स ये एक इशू है जिसकी वजह से डिफरेंट ब्राउजर्स जो हैं डिफरेंटली बिहेव कर सकते हैं तो वो इशू है वाइट स्पेसिस का यानी अगर आप आ, कहीं पर खुद से स्पेस दे रहे हैं या न्यू लाइन कर रहे हैं तो इसको जो है डिफरेंट ब्राउजर्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं एक्समल ऑफन कॉन्टीन न्यू लाइन और वाइट स्पेसिस कैरेक्टर्स बिटवीन नोट्स तो ये पॉसिबल है तो यानी ये इग्नोरेबल चीज़ नहीं है आप न्यू लाइन्स भी कंटेन करते हैं एक्सिमल डूमेंट में और इस वाइट स्पेस भी मेनटेन करते हैं इंटरनेट वन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हेयर इंटरनेट एक्सप्लोर नाइन एंड अर्लीयर डो नॉट रीट एम टी स्पेसिस एमटी वाइट स्पेसिस और न्यू लाइन एज टेक्स नोट्स तो जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोर नाइन और इससे अर्लीयर जितने भी आपके इंटरनेट एक्सप्लोरस हैं ये टैक्स uh, नो ये आपके वाइट स्पेसेस जो हैं इनको एज आ टैक्स नोट ट्रीट नहीं करते या न्यू लाइंस और वाइट स्पेसेस को एज आ टैक्स नोट ट्रीट नहीं करते जबकि वाइल अदर ब्राउजर्स टू लेकिन बाकी तमाम ब्राउजर्स जो हैं इस कॉन्सेप्ट uh, को मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर हम इस फनिना को uh, दिखाने के लिए डैमो देखते हैं वाइट तो इस डेमो को देखते हैं और फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे बुक स्टोर आ, बुक स्टॉट एक्सएमएल को जिसमें हमारा रूट एलिमेंट है बुक स्टोर और बुक स्टोर में हमारे पास मल्टीपल बुक के टैग एग्जिस्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हर बुक के टैग में फर्दर टाइटल ऑथर ईयर एंड प्राइस एग्जिस्ट करते हैं अब यहाँ से हम चलते हैं वाइट स्पेस पे ये एक एच टी एम एल फाइल है एच टी एम एल टैग लगा हुआ है यहाँ पर बॉडी का टैग है उसी तरह से हमारे पास एक पैराग्राफ का टैग है जिसको हमने यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक आई डी दिया हुआ है डेमो और ये हमारा स्क्रिप्ट का टैग है यहाँ पर हम बेसिकली एक्स एम एल एच टी टी पी रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और वो एक्स एच टी टी पी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं यहाँ पर हम सर्वर की स्टेट को रियलाइज़ कर रहे हैं कि सर्वर जो है वो रेडी स्टेट में है या नहीं और फिर उसके बाद बुक्स डॉट को हम लोड करवा रहे हैं मेमोरी में और ये माई फंक्शन जो है ये कॉल हो रहा है एक्सएमए एल डॉट रिस्पॉन्स एक्सएमल डॉक में इसका रिस्पॉन्स बेसिकली जनरेट हुआ यानी ये जो ट्री लोड हुआ वो xml एल डॉक में है xml एल डॉक डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट नोट्स तो बेसिकली जब डॉक्यूमेंट एलिमेंट लिख रहा है तो बुक स्टोर Uh, जो है हमारा रूट एलिमेंट है और उसकी डॉट चाइल्ड नोट जितनी भी चाइल्ड नोड्स हैं वो बेसिकली एक्स में रिसीव हो जाएंगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट इनर एस टी एम एल तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट जब लिख रहे हैं तो ये करंट हमारा जो एस टी एम एल फाइल है उसकी बात हो रही है तो उसमें जो हमारा एक टैग लगा हुआ है जिसका आई डी डेमो है ये उसकी बात हो रही है और उसके इनर एस्टीएमल में हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स एक्स डॉट लेंथ तो कितनी बेसिकली चाइल्ड नोड्स हमें रिसीव हुई हैं ये यहाँ पर उसकी लेंथ से हमें पता लग रहा होगा तो इसको हम जब ब्राउजर पे चलाते हैं तो बेसिकली नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स बेसिकली नाइन तो अब जरा हम देखते हैं अपने बुक्स डॉट फाइल को तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी बुक स्टोर जो है ये हमारी एक रूट नोड है यानी एक नोड है उसके बाद हमारे पास चार बुक के जो हैं हमारे पास टैग है तो चार बुक के टैग के बाद हमारे पास टाइटल का टैग है ऑथर टैग है ईयर है एंड प्राइस है तो इनफैक्ट ये यहाँ से बात शुरू कर रहा है आप ज़रा गौर कीजिए तो डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोट्स तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो और इनर एस्टीएमल में नंबर ऑफ चाइल्ड नोट्स इज इक्वल टू एक्स डॉट लेंथ तो बेसिकली ये नाइन नंबर ऑफ चाइल्ड नोट्स हमारे पास रिसीव हुई तो नाइन नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स का मतलब ये है कि हमारे इस डॉक्यूमेंट्स में नाइन नोड्स यूज हो रही हैं जो बुक्स डॉट एक्स एम एल में हम जिसे फॉलो कर रहे हैं अभी हमने देखा डेमो वाइट स्पेस डॉट एच डी एम एल जिसमें हमने बेसिकली एक डेमांसट्रेशन भी देखी और नंबर ऑफ नोड्स आपने मोजिला पे देखी कैलकुलेट हुई हमारी नाइन और बेसिकली अब हम डिस्कस कर करें पी सी डाटा पार्सड कैरेक्टर डाटा एक्ज पार्सर्स नॉर्मली पार्स ऑल द टैक्स इन एन एग्जामल डॉक्यूमेंट तो एक्समल पार्सर्स जो है बेसिकली तमाम का तमाम टैक्स जो है वो एक्समल डॉक्यूमेंट का पार्स कर सकता है एक्सम एल एलिमेंट इज पार्स द डेक्स बिटवीन द एक्समल टैग इज ऑल्सो पार्स तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो एलिमेंट के अंदर जो आप टेक्स्ट लिखते हैं इनफैक्ट उसे भी पार्स किया जाता है कि उसमें कोई फर्दर टैग तो नहीं है पास करेक्टर डाटा इज टर्म यूज अबाउट टैक्स डाटा पास बाय द एक्सम्बल पार्ट सर यानी ऐसा करेक्टर डाटा जिसको फर्दर पार्सिंग जिसकी होनी चाहिए अगर वहाँ पर कोई एट्रीब्यूट या वहाँ पर कोई एलिमेंट नोड एक्जिस्ट कर रही है तो वो देख ली जाए द टर्म सी डाटा इज यूज अबाउट द टैक्स डाटा दैट शुड नाट बी पास बाय द एक्सम्बल पार्ट सर तो ये वो डाटा आप पार्सर को बता रहे हैं कि यहाँ पर वो इस तरह की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है जिसको पार्सर को चेक करने की जरूरत नहीं है लेस देन एंड एम्परस एंड आर इीगल इन एक्सएमल एलिमेंट्स आप जैसे ऑलरेडी जानते हैं कि ये जनरली ये एलिमेंट्स हैं ये एक्सएमल में अलाउ नहीं है तो लेस देन विल जनरेट एन एरर बिकॉज द पार्सर इंटरप्रेट्स इट एज द स्टार्ट ऑफ न्यू एलिमेंट तो लेस देन का साइन जो है ये बेसिकली टैग का स्टार्टिंग पार्ट uh, बन जाता है तो जिसकी वजह से एक एरर जनरेट होने है। तो, uh, तो, uh, के चांसेस हैं तो एंड एम्परसेंट विल जनरेट एन एरर बिकॉज द पार्सर इंटरप्रेट इट एज स्टार्ट ऑफ कैरेक्टर एंटिटी तो ये रेफरेंस एंटिटी के तौर पे पर जो है ट्रीट करता है तो इन जावर स्क्रिप्ट कोड कॉन्टें लेस देन एन एम्परसेंट टू अवॉइड एरर स्क्रिप्ट कोड कैन बी डिफाइंड एज सी डाटा तो स्क्रिप्ट्स में इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं तो अगर आप एक्सएमएल पार्सर को इग्नोर करवाना चाहते हैं स्क्रिप्ट के कोड के लिए तो आप उसे सी डाटा के अंदर लिखते हैं एवरी थिंग इनसाइड अ सी डाटा सेक्शन इग्नोर बाय अ पार्सर तो जनरली जो आप सी डाटा के अंदर जो कुछ लिखेंगे वो पार्सर उसे इग्नोर करेगा